Assalamualaikum, good morning, good day and welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज मैं हमारे सिस्टर इन लॉ के घर, तो ये है मेरा घुंघरू पोंगलू। और कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मैं अपने सिस्टर इन लॉ के घर आई हूँ, वो स्पेन से आई हुई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना उससे मुलाकात की जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी कर लें, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ का भी वीलॉग बना लेती हूँ। इस मोहम्मद को उठा के चलना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है, और आई थिंक यहाँ पर किसी का बर्थडे हो रहा है, और बहुत खूबसूरत जगह है ये। और ये बहुत ज़्यादा पुरसकून एरिया है, बहुत खूबसूरत जगह है। ये सारा जो है वो फौजी एरिया है, तो इससे यहाँ पे बहुत खामोशी है, बहुत सुकून है। पिक्चर बना, पिक्चर वही बना। मानो था कि ये इसके पीछे इतने भागे हो आप लोग। जा रही हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। आपने मेरी आवाज़ के ऊपर फोकस नहीं करना क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा है। इतनी सर्दी तो इतनी सर्दियों में भी नहीं हुई जितनी अब है। हाँ जी, हम लोग आ गए थे नंद के घर से, मैं आ गई थी और मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैंने जो है वो आगे का व्लॉग नहीं बनाया। और अभी मैं बना रही हूँ चटनी क्योंकि रमज़ान उल मुबारक आने वाला है, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। और अभी मैंने इसमें ऐड किया है पुदीना, और अब मैं इसमें जो है वो मिर्ची ऐड कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि रमज़ान उल मुबारक की तैयारी जो है वो इंसान को जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए, और मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंडे को पहला रोज़ा है, तो इसलिए जितने भी ये वाले काम थे चटनी वगैरह और तो मैं पहले ही कर लेती हूँ। थोड़ा सा फिर हम पानी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो धनिया ऐड करूँगी। क्या बोल सकती है? तीखी मिर्च थी। हाँ जी, मेरी जो चटनी है वो माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है, क्योंकि रमज़ान से पहले करने वाले जो काम होते हैं वो आपको पहले ही कर लेने चाहिए क्योंकि रोज़ा रख। और ऐसे मेरी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने ऐड किया था पुदीना, धनिया और ग्रीन चिली, और ये मैंने रमज़ानुल मुबारक के लिए बनाई है, और क्योंकि इंशाल्लाह जो है वो रमज़ान जो है वो आने वाला है। हाँ जी, रमज़ानुल मुबारक जो है वो बस इंशाल्लाह अब करीब करीब ही है, 11 मार्च को पहला रोज़ा है, इसलिए मैंने तमाम काम जो है अभी कर रही हूँ आराम आराम से। अभी भी और बहुत सारे काम हैं जो मैंने करने हैं, और मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी इसलिए मैं डेली व्लॉग्स नहीं बना सकती, लेकिन अल्लाह का शुक्र आज मेरी थोड़ी सी जो तबीयत है वो बेहतर है। और खैर, आज का व्लॉग भी कुछ इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि सब मैनेज है वो मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, तो इसलिए मेरी मैनेज है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे और मेरे बेटे को जो है वो दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।